पंतनगर सिडकुल की एमएमटी फैक्ट्री में रविवार को सीवर टैंक की सफाई के लिए किए गए कुछ श्रमिक बेहोश हो गए। होश आने के बाद श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ पंतनगर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पूरी जानकारी देते हुए पुलिस के मुताबिक सचिन ने कहा कि 11 सितंबर को वह अपने साथियों रमेश और सुरेश काम की तलाश में लेबर चौक सिडकुल में खड़े थे, तभी प्रकाश नाम का ठेकेदार वहां पर आया और उसे बताया कि सिडकुल की कंपनी में काम होना है। वहीं ठेकेदार साथियों को एमएमटी कंपनी के अंदर ले गया और कंपनी के प्रबंधकों से मिलाया और कंपनी के प्रबंधकों ने कंपनी के अंदर बने अंडरग्राउंड गंदे पानी का सीवर टैंक के पास ले जाकर कहा कि सीवर टैंक की सफाई को लेकर बात कही। वहीं कहा कि टैंक के अंदर तीनों लोग जाओ और टैंक की सफाई करो। सचिन का कहना है कि हम लोगों ने देखा सीवर टैंक में काफी गंदा पानी भरा था और सीवर टैंक से काफी बदबू आ रही थी। आरोप है कि कंपनी प्रबंधकों ने बिना मास्क और सुरक्षा उपकरणों के बिना तीनों लोगों को जबरदस्ती गंदे पानी के सीवर टैंक में भेज दिया। सीवर टैंक साफ करने अंदर घुसे तो गंदे पानी के बदबू और गैस से सीवर टैंक में बेहोश होकर गिर गए। शोर शराबे की आवाज सुनकर कंपनी के लोगों ने आकर बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिस पर एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि पूरे मामले में फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है, जांच के बाद फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। ये एमएमटी फैक्ट्री में कल एक घटना हुई है, उनके तरफ से एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ पे एक सेप्टिक टैंक है, वहाँ पर कुछ मजदूरों को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा क्लीन करने के लिए उतारा गया, तो उसमें आधा पानी अभी भी भरा हुआ था, उसमें ऐसा जानकारी में आया है। पानी अभी भी था उसमें, पूरा खाली नहीं हुआ था, उसमें रसीला और जहरीला कुछ द्रव्य और गैस भी बना हुआ था। तो जो मजदूर उतरे उनको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हुई और काफ़ी कुछ लोग बेहोश हो गए, उनको निकालने के लिए और मजदूर गए, वो भी बेहोश हो गए। तो कुल मिला के 6 लोग जो है बेहोश होने की सूचना है अंत में, जिनमें से 4 लोगों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, 2 को दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया।